महानगर में गोरखपुर महिला समिति के तत्वावधान में बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे के अलावा समिति की अध्यक्षा पूनम भाटिया, अमिता गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने नाचते गाते हुए धूमधाम से पर्व को मनाते हुए एक दूसरे को बैसाखी की शुभकामनाएं दी। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे और पूनम भाटिया ने बताया। संध्या पे महिलाओं द्वारा एक रंगारंग प्रोग्राम हो रहा है। ये खुशियों का त्यौहार है। 1699 में ये इस आज के इस महत्व को गुरुवर ने समझाया था, उसको लेके तरह तरह के पकवान बनते हैं और उसको जश्न की तरह मनाया जाता है। उसके लिए हम सभी बहनें मिलके आज इस जश्न को मना रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। आपके चैनल द्वारा सभी दर्शकों को और आपको भी ढेर सारी धन्यवाद। बैसाखी का त्यौहार ये खुशहाली का त्यौहार है। इस दिन किसान लोग अपनी जो फसलें देते हैं वो काटते हैं, उन्हीं फसलों से उनका साल भर का परिवार पलता है और पूरे देश को जो अनाज करता है उसे पूरा देश हमारा उसका खाना खाता है, उसका पेट भरता है और उसी से कई लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। और जो बैसाखी का त्यौहार है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें हर धर्म के लोग मनाते हैं और इस दिन विशेष तौर से हम मीठे का प्रसाद बनाते हैं जिसमें खीर या मीठे चावल पीले बनते हैं। पीले चावल का ज़्यादा मांग है बैसाखी के त्यौहार में। और बैसाखी के त्यौहार में इस दिन बच्चों का नामकरण भी होता है, कई लोग मुंडन भी करते हैं और कई लोग इस दिन अपने बेटे बेटियों की शादी भी करते हैं। इसलिए हम बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं।